आज हम बात करेंगे अनौपचारिक तर्क दोष के दूसरे प्रकार प्रासंगिकत्व तर्क दोष पर। प्रासंगिकत्व तर्क दोष की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसके सारे प्रकारों में तकरीबन 10-12 प्रकार हैं इसके प्रासंगिक तर्क दोष के और भी माने जाते हैं, उनमें जो आधार वाक्य और निष्कर्ष युक्ति का जो एक फॉर्मेशन है, युक्ति का जो एक डिज़ाइन है, इसमें आधार वाक्य एक हिस्सा होता है और निष्कर्ष एक दूसरा हिस्सा होता है। तो जब आधार वाक्य और निष्कर्ष में कोई संबंध नहीं बैठता, इनरिलीवेंट हो जाते हैं, तब यह प्रासंगिकत्व तर्क दोष होता है। अब इसके प्रकार, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों निष्कर्ष और आधार वाक्यों में संबंध नहीं बैठ रहा इसमें, और जो इसके जो डिफरेंसेस हैं बस वही इस युक्ति के प्रकार हैं कि कौन कौन से तर्क दोष होते हैं। तो सबसे पहला है मुष्टि दोष। मुष्टि से मतलब मुट्ठी से होता है। तो जब किसी आधार वाक्यों से निष्कर्ष को निकालने के ताकत का या बल का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी तरह का बल हो सकता है, तो वह मुष्टि दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी से कहें कि तुम ये मान लो गधे के सींग होते हैं, और अगर नहीं मानोगे तो तुम मेरे से मार खाओगे, तो ये जो फोर्स है ये मुष्टि दोष है। दूसरा है अज्ञानमूलक दोष। जैसे मान लो कोई कहे कि भूत होते हैं और कोई कहे भूत होते नहीं, तो जो भूत है ये सिद्ध करने वाले ये कहे कि भूत इसलिए है क्योंकि अभी तक किसी ने भूत नहीं है इसे सिद्ध नहीं किया है, तो ये एक अज्ञानमूलक युक्ति दोष हुआ। फिर है दयामूलक युक्ति दोष। जब युक्ति में कोई तथ्य या कोई आर्ग्यूमेंट की जगह पे दया का इस्तेमाल किया जाए निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए, तो उसे दयामूलक युक्ति को दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वकील अपने जो उसको बचा रहा है उसके लिए जैसे कहे कि जज साहब इसे माफ़ कर दीजिए क्योंकि अगर इसकी जेल होगी तो इसके परिवार वाले जो हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, तो अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस एक दया का भाव उठाने का, दया का भाव जज में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो ये उस तरह का दोष होता है। फिर है लोकोत्तेजक। जब लोगों की भावनाओं को उकसा कर किसी चीज़ को मनाने का प्रयास किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर ये कहे कि आपको हिंदी में हमें करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हिंदी में क्यों, वो कहे कि हिंदी में हमें करने से बहुत से स्कोप हैं, इसमें आप शिक्षक बन सकते हो, इसमें आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, ये तो एक आर्ग्यूमेंट माना जाता है, लेकिन हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है इसलिए तुम हिंदी में हमें करो, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये दोष है। फिर अगला है श्रद्धामूलक युक्ति। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में किसी भी और कार्य को लेकर श्रद्धा हो और उसका इस्तेमाल किसी और कार्य के लिए किया जाए, जैसे मान लीजिए कि जैसे फिल्म सितारों के साथ, क्रिकेट खिलाड़ी के साथ होता है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो होते तो क्रिकेट के क्षेत्र हैं लेकिन उनके हाथ में थम्सअप पकड़ जाती है कि थम्सअप पीजिए और तंदुरुस्त रहिए, या ये बॉर्न बीटा पीए इससे आप ताकतवर बनिए, तो वो उनके लोगों के मुँह से ये कहलवाना, ये श्रद्धामूलक युक्ति दोष का इस्तेमाल करते हैं सारे विज्ञापन। उसके बाद है उपलक्षण दोष। जब विशेष स्थितियों में जो कार्य होते हैं उनको सामान्य पर लागू कर देना, जैसे विशेष स्थितियाँ होती हैं कि अगर आपको बुखार आ जाए तो आपको टैबलेट लेनी चाहिए, तो अब कोई सामान्य स्थिति में ये कहे कि भाई तुम्हें टैबलेट लेनी चाहिए क्योंकि बुखार आता तो लेते हो यार, ये तो अच्छी चीज़ है। फिर इसका उल्टा है परिवर्तित उपलक्षण दोष, यानी कि सामान्य जो बातें हैं उनको विशेष परिस्थितियों में लागू कर देते हैं। जैसे सामान्य है कि सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, तो अब कोई ये कहे कि तुम स्वेटर पहनो भाई क्योंकि स्वेटर पहनने से सर्दी नहीं लगती, तो वो सर्दी का मौसम ही नहीं है, तो आप उसे कैसे ये आर्ग्यू कर सकते हो। फिर है मिथ्या कारण दोष। जब किसी जो कारण किसी काम का है ही नहीं उसको आप उसमें जोड़ दो, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए और लाइट चली गई, बिजली चली गई, और गए लो आप आए और बिजली चली गई, जैसे फिल्म में है ना, आप आए बाहर आई, तो किसी के आने से बाहर नहीं आती, किसी के जाने से बिजली नहीं जाती, ये गलत कनेक्ट कर दिया जाता है, ये मिथ्या कारण दोष है। फिर है आत्माश्रय दोष। जिस चीज़ को निष्कर्ष में सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा होता है उसी को आप आधार वाक्य में पहले से ही मान लो, तो ये आत्माश्रय दोष है, भाई मेरी बेटी बहुत रूपवती है अतः मेरी बेटी रूपवती है, अब ये बात आप पहले आधार वाक्य में कह चुके हो तो इसमें निष्कर्ष में इसको सिद्ध करने की कोई बात ही नहीं है, तो ये आत्माश्रय दोष हुआ। फिर है असंगत निष्कर्ष। जिस आर्ग्यूमेंट से कोई एक चीज़ मान लीजिए सही सिद्ध हो गई कि जैसे पानी से प्यास बुझती है, अब इसी आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप ये कहो कि चूंकि पानी से प्यास बुझती है ना, तो हो सकता है पानी से आग बुझेगी, क्यों? क्योंकि उसकी प्यास बुझी थी, तो ये आर्ग्यू गलत है। जो निष्कर्ष किसी और चीज़ के लिए सही है वो हर जगह सही हो ये सही नहीं, इस असंगत निष्कर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है चक्रक दोष। चक्रक दोष में ये होता है कि युक्ति तो कोई होती नहीं है, दो बातें होती है जो घूम घूम के आमने बार बार आती रहती है, बस आप एक के बाद वही दूसरी, फिर वही दूसरी, वही, तो ये चक्रक दोष है। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछे भाई रामलाल जी का घर कहाँ है, तो रामलाल जी घर श्यामलाल जी घर के सामने है, श्यामलाल जी का कहाँ है, तो श्यामलाल जी का घर रामलाल जी के सामने, तो दोनों कहाँ है कि आमने सामने, इसे ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं, तो बस रामलाल जी घर श्यामलाल जी के आगे, श्यामलाल जी घर रामलाल जी के सामने, बस ये चलता रहे। फिर है छल प्रश्न।
छल प्रश्नों में ये होता है कि जब हम किन्हीं दो प्रश्नों को मिक्स करके एक प्रश्न बनाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी लड़की से कोई पूछे भाई आपने शराब छोड़ दी क्या, तो अब इसका जवाब वो हाँ में कहे तो इसका मतलब पीती थी, अगर वो कहे कि ना तो इसका मतलब भी पीती है, तो हर हाल में उसकी बेइज्जती तय है। तो ये असल में दो प्रश्न हैं कि क्या आप शराब पीते हैं, फिर अगला प्रश्न है क्या आपने शराब, वो अगर हाँ कहे तो क्या आपने शराब छोड़ दी। इसलिए छल प्रश्न को मिश्रित कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि दो तीन क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं और उनको एक ही हाँ या ना में जवाब मांगा जाता है, जो कि एक युक्ति दोष है जिसे कहते हैं छल प्रश्न दोष। धन्यवाद।